तो फिलहाल का सीन ऐसा है कि अभी बहुत जोर की बारिश हो रही है और हम लोग कॉलेज वगैरह से डायरेक्ट डेनिस का घर आ गए हैं, मतलब पानी जैसा मौसम कह रहा था तो हम लोग यहीं आ गए। और अब सीन ऐसा है कि हम लोग पहले डेनिस को पिकअप कर रहे हैं, यहाँ से पिकअप करेंगे, फिर सब अपना अपना घर जाके ड्रेस चेंज करेंगे क्योंकि कॉलेज यूनिफॉर्म में घूमना थोड़ा ऑकवर्ड सा लग जाता है। हे व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबको गुड मॉर्निंग रहेगा एंड पता नहीं क्या चुल मचा है, हम एकदम पानी में निकल गए हैं घूमने के लिए और मेरे साथ है डेनिस और असित अंदर चेंज कर रहा है। तो आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ से ऑलमोस्ट एक घंटे की दूरी पे है। कितना किलोमीटर नहीं बताया था हमको तो बता देता। अच्छा ठीक है, कितना किलोमीटर हो? तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक घंटे का दूरी पे है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना सूरज की। हाँ तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, प्लान में चेंज 3 बजे से आया है और 3 या तो मेरे को ठीक से याद नहीं है। और पहला रीजन ये है कि हम लोग का मतलब बहुत लेट हो गया था, और एक तो हम लोग लेट से निकले थे और दूसरा ये था कि हम लोग पूरा मतलब मैप पे निर्भर थे। तो मैप में लोकेशन हम लोग को दिखा रहा था 1 घंटा दूर था, बट जहाँ जैसे जैसे हम लोग आगे पहुँचते गए हम लोग को कुछ ज़्यादा ही दूर लगने लगा। फिर हम लोग सोचे अब लोकेशन चेंज करते हैं, फिर हम लोग बोले सीता फॉल छोड़ो सब चूनी फॉल चलते हैं। तो अभी हम लोग चूनी फॉल यहाँ है और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सब पूरा भींगे थे। मतलब हम जैसे जैसे स्टार्टिंग में ड्राइव हम कर रहे थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ चलते गए तो मेरा पैंट भींगने लगा, तो हम डेनिस से पैंट मांग लिए। अब ठीक है, अब मतलब पानी वानी आ नहीं रहा है, मौसम ऑलमोस्ट साफ है और हम लोग सब सेटअप कर रहे हैं इधर सेटअप होते हुए, अब बाकी नीचे जाते हैं। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है या ना, अरे बोलो ना सूरज की किरणें आने दे मेरे नीस, अब चल जाने दे जो भी पीर, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो यहाँ अंदर तक सेंटर कहने लेके आया, वीडियो दिखाया ना ठीक। अरे भाई क्या सेक्सी दिख रहा है, हम लोग इधर इस तरफ आए हुए हैं चूर्णी फॉल का, वो छोटा सा दिख रहा होगा। हाँ भैया ऑलमोस्ट भींग गए थे हम लोग सब, और इधर वाला रास्ता शायद भैया फॉल से भी कनेक्ट होता है ना रे। ये बहता नीचे देखो यही है मार्केट, अब आज हम लोग यहीं से भैया फॉल जाएंगे। क्या लगता है हम लोग जा पाएंगे? डेनिस का तो पता नहीं, बरासी का जरूर पता है, वो कूद कूद के जरूर पहुंच जाएगा। हाँ ऐसे ही रोज बीचों के लिए देखते रहिए। ऐसे रोज बोलते हैं तो भैया पहुँच गया और व्यू कुछ ऐसा है भैया, एकदम डरावना डरावना लग फील आ रहा है। कूद यहाँ से डेनिस। ओके गाइस हम जाके आते हैं। भैया यहाँ से मतलब ये जो जगह है ना, मतलब अब सीधे नीचे जाएगा वो, हम लोग उसका ऊपर वाले पोर्शन में आए हैं। ब्लैक बोला और पानी के बाद अब यहाँ पूरा पत्थर वत्थर फिसल रहे हैं और बालू वालों भी हो गए हम लोग, बट सीन्स देखो गाइस, सीन्स चेकआउट करें। इधर तीनों व्लॉगर्स, इधर एक 360 के साथ और इधर एक कैनन, मैं तो गरीब हूँ।
मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना पंद्रह मिनट से बैठे हुए। और वो जो रास्ता दिख रहा है वो जाता है भैया की तरफ, तो उसका ब्लॉग भी अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और हम लोग सोचे कि ऑलमोस्ट पंद्रह बीस मिनट और रुक लेते हैं, उसके बाद फिर 5 बजे अपलोड से निकलेंगे, तो उसके बाद खाने पीने के बाद फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। सबसे पहले आसिफ को छोड़ेंगे, उसके बाद डेनिस को छोड़ेंगे, फिर हम अपना घर जाएंगे। और भैया पूरा हॉल खाली है, बस कुछ आदमियों को छोड़ के मतलब वो लोग नीचे तरफ है, हम लोग ऊपर तरफ है। लौंडा सही दिमाग चलाया, बोला कि डायरेक्ट ऊपर चलते हैं, तो वो डायरेक्ट ऊपर आ गए और हॉल सच में बहुत लवली है। हाँ 5 बज गया, और मतलब 5 भी नहीं बजा, शायद 4:50 हो रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही भूख लग रहा था हम लोग को, और अभी फिर से ड्राइव डेनिस करने वाला है। नहीं करेंगे। हाँ, तुम ही करेगा। बहुत ज़ोर का भूख लगा है क्योंकि हम लोग लंच भी नहीं किए, और भाई कॉलेज तो भूखे पेट ही जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में क्लास होता है 6:30 से। आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे टाइमिंग चेंज किया जाए। मैंने उस पर ध्यान ना दिया जाए, हाँ लेकिन चेंज तो होना चाहिए। हाँ तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, हम लोग सोचे थे नीचे जाएंगे बट मौसम फिर से ख़राब कर रहा है, और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग दोबारा भीगे, तो इसीलिए अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट गाड़ी के पास, फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं आगे पेट पूजा करते हुए। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत। तो भाई अभी कुछ वंडरफुल हुआ है, कि आसिफ को मतलब मोर दिखा और हम लोग सब जंप करके फिर उसके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया ना, हम देख पाए बस आसिफ और डेनिस देख पाया। पता नहीं भाई बोल रहा जंगली मोर पहली बार देखा था, बहुत सेक्सी दिख रहा था। अब हो सकता है भाई सेक्सी हो, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था कुछ समय के लिए तो तब उस एरिया में आते रहते थे मोर, तो उस समय देखा था एक बार। अब झारखंड का जंगली मोर कुछ अलग ही होगा, बट कोई नहीं अगली बार देख लिया जाएगा। इतना तो पता चल गया कि यहाँ मोर भी है भाई, हमको लग रहा था हम लोग इसके बाहर कोई आए भी नहीं। तो निकलते हैं यहाँ से, इस बार नहीं रुकना, बिल्कुल भी नहीं रुकना। आरे आरे
आरी आरी अब तो आ रही बारात अब ये आए नाचे गाए देखो नाग है मल्हार ओ नित नित लाके रंग सवारी। तो भाई लोग फाइनली आपका भाई घर आ चुका है एंड फिलहाल का सीन ऐसा है कि मतलब वासिफ को छोड़ने के बाद मेरा ऑलमोस्ट एकदम फट चुका था क्योंकि वहां पे एक भी सिंगल स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो भाई सच में एकदम अंधेरा हो जाता, मेरे को पूरा डर लग रहा था। तो हम फटाक से उसको ड्रॉप किए, उसके बाद एकदम वहां से निकले एंड हम मोस्टली आपको वाटरफॉल्स इसलिए दिखा रहे क्योंकि रांची एक ऐसा प्लेस है जहाँ वाटरफॉल्स आपको भर भर के मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है छोटा मोटा वाटरफॉल मिलेगा, एकदम वंडरफुल वाटरफॉल्स मिलता है यहाँ पे। अरे बोलो ना सूरज की।